What is up guys, Assalamualaikum, Sami Asim Khan here. और आज जो है it is day 3 in Dubai और basically White Friday की जो sale है वो शुरू हो चुकी है. Black Friday basically so Dubai sorry America और Israel में बहुत कहते हैं क्योंकि you know like it's a propaganda against Muslims. 80% जो laptops हैं, मैं basically Apple का MacBook ढूंढ रहा हूँ, Apple MacBook Pro 2016 without touch bar. क्योंकि touch bar is I think one of the most useless features you can actually find in a MacBook. और यही वजह है कि मैं 2016 का MacBook Pro ढूंढ रहा हूँ जिसकी प्राइस विदाउट डिस्काउंट है तकरीबन 6000 दरम, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 1,75,000 पाकिस्तानी रुपीज़. बेसिकली मैं ऑनलाइन मैंने डील्स चेक करी तो काफ़ी महंगा पड़ा था, मतलब कि जो डिस्काउंट था वो आई थिंक सिर्फ 30% था. अब हम दुबई मॉल पहुंच चुके हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं, बेसिकली 4:30 बज रहे हैं. तो ऑब्वियसली यार लेट तो हो चुके हैं क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था तो 80% लैपटॉप्स एप्पल मैकबुक प्रो 2016 बिक चुके हैं, जो कि काफ़ी अलार्मिंग बात है. मगर लेट्स चेक आउट एंड दिस इज़ द पर्क ऑफ लिविंग इन दुबई. दिस इज़ द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ इमार, ये इन लोगों ने डिस्प्ले पर लगाया है. लास्ट टाइम जब मैं दुबई लीव कर रहा था कराची के लिए, जब मैं कराची विजिट करने के लिए जा रहा था एक महीने के लिए, तो ये नहीं बना हुआ था. एंड जस्ट चेक इट आउट यार, वाओ दिस इज टोटली अमेजिंग, ओह माय गॉड. ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट हाई डेफिनेशन लार्जेस्ट स्क्रीन इन द वर्ल्ड. पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज अल्टीमेट हाई डेफिनेशन. अब ऐसा ना हो कि मैं इन सब चीज़ों में इतना इंडल्ज हो जाऊं कि जो मेरा मेन मकसद है दुबई मॉल में आने का वो मैं भूल ही जाऊं. तो ऑब्वियसली भी बहुत ही जल्दी में हूं मैं, आई एम जस्ट रशिंग टू वर्जन मेगा स्टोर या फिर ईमैक्स. पाकिस्तान में डेली मार्ट ने भी लगाई ब्लैक फ्राइडे सेल, सॉरी वाइट फ्राइडे, ये मैं बोलना भी नहीं चाह रहा. और दराज रोड पीकी ने भी लगाई, मतलब कि मैंने कराची जाने से 2 दिन पहले ये सेल लग चुकी थी, ठीक है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन लोगों ने कहा था अप टू 86% ऑफ, अप टू 80% ऑफ, और इससे ज़्यादा बकवास सेल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बकवास सेल थी यार, कोई चीज़ भी ढंग की नहीं थी. तो सबसे पहले एप्पल स्टोर जाकर यहाँ पे दाम पूछ लेते हैं कि मैकबुक प्रो का क्या चल रहा है रेट. एप्पल का प्राइस चेक किया, मैकबुक प्रो विदाउट टच बार वो था तकरीबन 5,999 दरम, मतलब ठीक है प्राइस. तो ये हम आ गए हैं वर्जन मेगा स्टोर पर, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये लोग क्या प्राइस दे रहे हैं, क्योंकि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो ई मैक्स है वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, मगर वी डोंट नो कि वर्जन कितना देगा. तो लेट्स चेक इट आउट. हेलो, हाउ आर यू डूइंग? ओके, सो व्हाट इज द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट? डू यू हैव एनी डिस्काउंट्स? नो नो डिस्काउंट्स, फाइनल प्राइस. बैक स्कूल प्रमोशन बट दैट इज फिनिश. ओके, सो दिस इज द फाइनल प्राइस राइट, 6000 दिरहम्स. मेरे भाई को आप सिर्फ इस जगह लेकर आ जाओ और अगले एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा. और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये इनका बाहर ठिकाना ये है गेमिंग का. हाँ भैया, ये ब्यूटी दिला दो तो क्या बात है. आप क्या प्राइस है? 14,000 दिरहम भाई सिर्फ. बिल्कुल सेम प्राइस दे रहे हैं, दैट इज़ सिमिलर टू एप्पल ऑफिशियल रिटेलर. मैंने हमेशा से जो एक बात नोटिस करी है वो ये है कि ई मैक्स वाले आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट देंगे, वेराइटीज़ के हिसाब से वर्जन इज़ द बेस्ट. मगर मैंने जो गिम्बल लिया था वो मैंने तकरीबन
400 दिरहम से डिस्काउंट पे लिए थे, दैट इज़ अमेजिंग. तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ई मैक्स से लें दुबई मॉल पे. देखो प्रोमोटेड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर सेटिस्फाइड हूँ, दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग यू ई मैक्स. I actually visited Virgin Mega store. So मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ. अच्छा basically colors कौन से हैं? स्पेस ग्रे और सिल्वर. i5 प्रोसेसर है, 8GB RAM, 256GB SSD. ओके और द रेजोल्यूशन एंड रेटिना डिस्प्ले वारंटी आपको जो आई थिंक यू लिव इन दुबई राइट? ठीक है, यस एग्जैक्टली. थिंक एटलीस्ट 2 ईयर वारंटी इफ इट इज ब्रोकन. तो माशाल्लाह गेटिंग माई फर्स्ट मैकबुक प्रो. तो आपका भाई वी वी आई पी कस्टमर है ई मैक्स का, तो फोटो ले जाएगी. Thank you so much. Thank you. Okay, sir. Thank you. So finally purchased the laptop and the mouse. बाहर थोड़ी ठंडी हवा लेने जा रही क्योंकि अंदर असल में मसला क्या है कि सर्दियों का मौसम है और सर्दी एक्सट्रीम है. बाहर ठंडक अंदर गर्मी और माशाल्लाह बाहर हमारे पास रोल्स रॉयस रेथ है 2017. वाओ. अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल का लैपटॉप और एप्पल का मैजिक माउस विच इज़ कंपल्सरी. बहरहाल वी आर होम. तो अभी जूते मोजे वोजे उतार के आपका भाई थोड़ा रिलैक्स करेगा, फिर करेगा अनबॉक्सिंग. अगर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए तो बताइए, क्या पता मैं इसी वीडियो में कर लूँ, मगर यू नेवर नो. दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर द अनबॉक्सिंग ऑफ मैकबुक प्रो एंड मैजिक माउस, क्योंकि आप लोग जो कि बैठे हुए हैं जो कि मुझसे बे इंतहा सवाल करते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप क्या यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सबकी एक तरह से छोटी सी कन्फ्यूजन साफ करने के लिए आई विल बी अनबॉक्सिंग माई प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आज ही खरीदे हैं. कुल मिला के मुझे सब मिले हैं 6000 दिरहम के, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 1,75,000 पाकिस्तानी रुपीज़. मगर मैकबुक प्रो इज़ एक्चुअली वन टाइम इन्वेस्टमेंट. आप एक दफ़ा ख़रीद लो ना, आपके 4-5 साल कहीं नहीं गए यार. ये मतलब कि दिस थिंग इज़ अ पावर हाउस. तो मसला सारा यही है कि कोई सेटअप नहीं अनबॉक्सिंग का, कल ही शिफ्ट हुए तो डब्बे वब्बे सब यहाँ पर हैं. बहरहाल आई स्टार्ट ऑफ विद द माउस. ये है एप्पल का मैजिक माउस. ओह वाओ दैट्स अ ब्यूटी. And now we are done with the unwrapping. Hey, nikal na yaar. Oh my god. What a happiness. Aur yakeen kare, it is so light that you just can't believe. I'm sorry, camera thoda udhar tha. Looking this side pe. और ये हैं हमारे पेपर वर्क. माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी वेल समी आसिम से भी यहीं तक है. तो ये कुछ पेपर वर्क हमारे पास डिज़ाइन बाय अप इन कैलिफोर्निया, थोड़ा लाइक दैट.
ایپل کے اسٹکرس بھی آپ کو ملیں گے. اچھا بتانا مجھے آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ابھی مجھے سب کچھ سیٹ کرنا ہے وچ ول پاسبلی ٹیک الاٹ آف ٹائم. اس کے بعد جب سب کچھ ہو جائے گا سیٹ تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل میں ہے کیا, ٹھیک ہے؟ بیکاز ان مائی پوائنٹ آف ویو دس از اے ویری ویری گڈ انویسٹمنٹ. تو ماشاء اللہ یہ ہو گیا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب آپ سے ملیں گے چند دیر بعد جب پورا سیٹ ہو جائے گا.